नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। 12 नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा के आधार पर बहाल 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी बच्चों को गोद में लेकर डटी हुई हैं। इनका कहना है कि 10,000 में घर चलाना मुश्किल है। सहायक पुलिसकर्मी की शादी टूट रही है और कई सहायक पुलिसकर्मियों की तो शादी भी तय नहीं हो पा रही है। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट पर सरकार फैसला लेगी। सहायक पुलिसकर्मी का कहना है कि नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन शामिल होते हैं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उनके परिजनों को आए दिन नक्सली धमकाते हैं, साथ ही उन्हें तरह तरह का प्रलोभन भी दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जीसीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।